हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज है 25 दिसंबर और आज के दिन अर्ली मॉर्निंग से ही मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो गई है। तो लगभग 5:30 बजे से ही मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो चुकी है और दिव्यांशी अभी बस जस्ट सोके उठी है। उसने सोई सोई मम्मा को पूरा मुझे बोली कि मम्मा सेंटा आया था क्या। तो उसे तकिया के नीचे कुछ नहीं दिखा तो उदास हो गई और घर से बाहर जाने लगी। तो मैं बोली कि अच्छे से ढूंढ के देखो तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उसे ये मिल गया और ये बहुत खुश हुई। दिव्यांशी को मिलने के बाद ना इतनी खुश हुई और नहीं, चलो अपना मतलब खुशी के मारे सबको दिखाने के लिए जा रही थी बाहर, लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग था जिसकी वजह से मैं उसे बाहर नहीं जाने दी क्योंकि सब लोग अभी अपने अपने रूम में बेड पे हैं और इतनी ठंड है कि अभी निकलेगी परेशान करेगी, इसलिए मैं उसे अभी रूम में ही रखी। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। तो आप ब्लॉग को इन तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये देख लीजिए इतनी सारी चीज़ें अभी मिल गई हैं दिव्यांशी को और दिव्यांशी की एक्साइटेड और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है एक्साइटमेंट। और ये है ना अभी सबके गिफ्ट ढूंढने को लग गई है। अभी भाई सोया हुआ है इसका और ये देखिए उधर पापा का अपनी पापा की गिफ्ट ढूंढने में लग गई है और इसी तरीके एक एक करके सबके गिफ्ट ये ढूंढ लेती है। इसे मैं बोली कि नहीं, जिसके जिसके गिफ्ट है वही खोलेंगे तो उनको वापस कर दिए उनके गिफ्ट। और सबको कुछ ना कुछ सेंटा देखे गए हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चों को बहुत खुशी होती है। हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये दोबारा देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि कितनी खुश हुई दिव्यांशी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हम लोग अभी संभाल के रखते हैं जितने भी मॉम डैड होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगता है इन फ्यूचर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब देखने में। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हमेशा देती ही रहनी चाहिए बच्चों को, और हम सबको भी जितने भी हम लोग बच्चों को खुशियाँ देते हैं उतनी मिलती भी है। इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि ये लोग खुश रहें। हाँ, बदमाशी करते हैं तो मैं कंट्रोल भी करती हूँ इन लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ देती हूँ। हो सकता है आगे चीज इन लोगों को नीड थी ना, वही सारी चीज़ें मिले हैं, सेंटा ने दिया है। आप सब भी समझ सकते हैं कि इसे गिफ्ट किसने दिया है। तो बिल्कुल सही, आप लोगों की गेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। और जिन लोगों ने गिफ्ट कर लिया है कि किसने दिया है ये गिफ्ट, तो जल्दी जल्दी से आप सब कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किसने ये सारे गिफ्ट दिए हैं, कौन है बच्चों की सेंटा, इन सब की सेंटा। और ये देखिए रियांश भी उठ गया है, रियांश को भी उसके गिफ्ट मिल गए हैं। और ये अभी मेरे से पूछ रहा था कि मम्मा मैं गिफ्ट खोल, मतलब मैं गिफ्ट खोल सकता हूँ। तो मुझे ना इसके हर एक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि सारे काम खुद के करना कि मम्मा मैं ये खोलूँ, ये करूँ, मैं बाहर जाऊँ, मतलब ये अच्छा लगता है कि और मैं कोशिश करूँगी कि इसका जो हैबिट है ये और भी आगे तक बनी रहे। क्योंकि बाद में ना इसे दिव्यांश से भी पहले पूछती थी, लेकिन अब इसे जिस काम के लिए मना करती रहो वो काम को जरूर करती है। और इस तरह से बहुत सारा गड़बड़ की है, अपने बर्थडे के दिन में बहुत सारे गड़बड़ किए, इसीलिए हो सके तो ये अगर हमसे अच्छी भी है और बुरी भी है तो ये नहीं चाहिए। दिव्यांश थोड़ा ज़्यादा ये सब चीज़ों में करता है कि मम्मा ये करना है वो नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा ये पूछता है। और अभी दिव्यांश की भी गिफ्ट खुलेगी, देखो दीदी एकदम फाड़म फाड़ में लगी है। अरे मम्मा, तो ये देखिए रियांश को भी, रियांश के गिफ्ट को दीदी खोल दी है और ये सारे मिले हैं रियांश को। उसकी दीदी बोल रही है कि मम्मा मुझे ये सारे, मतलब भाई को बता रही है कि मुझे भी यही सारी चीज़ें मिले हैं, बड़े वाले किटकैट जीबी और इसके उसके वाले में कॉलगेट भी था, टूथपेस्ट जिसको क्लोजर, वो ये लोग वही वाले पसंद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें थे, ये लोग यहाँ पे आ रहे थे, इन सब चीज़ का नीड थी, इसीलिए इन लोगों को सेंटा ने यही सारी चीज़ें दिए हैं। और देखो दीदी एक और ढूंढ निकाली, इतनी सारी गिफ्ट कहाँ कहाँ रख दिए थे, और ये एक और ये सर्च कर ली है। और इसमें है कुछ खाने की चीज़ें, आप सब बताओ क्या हो सकता है इसमें। और देखिए दिव्यांशी की
डेकोरेशन के तो आप सभी को लग ही रहा होगा, होली तो पापा का है, तो इसमें है ना किसी में किसी का नाम खोलने वाले हैं क्योंकि सेंटा, क्योंकि जो बच्चा मिल जाता है उसको दे देते हैं अफोर्डेबल प्राइस में। इतनी टेस्टी थी ना कि मत पूछो, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। जितना भी खा रही थी ना कम पड़ रहा था, जबकि बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाए, हम लोगों ने ही खा लिया। थोड़ा सा रियांश खाया, दिव्यांश तो जरा सा भी नहीं खाई इसको। ये बहुत ही स्वादिष्ट था और ये लोकल है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं हजारीबाग में, वहीं का बना हुआ है ये। और मैं इसके बारे में पहले नहीं जानती थी, बाद में जब रैपर खुला ना, रैपर में देखी, उसमें लिखा हुआ था, तो बहुत ही टेस्टी था, बहुत अच्छा लगा। तो जो लोग यहाँ के होंगे वो जानते ही होंगे। तो आज मैं पूरी डे का शेयर करूँगी, लेकिन पार्ट बाय पार्ट करके शेयर करूँगी, क्योंकि एक ही दिन में एक ही ब्लॉग में सारे कुछ शेयर नहीं कर सकते हैं इसीलिए। और यहाँ पे दिव्यांशी सारे चीज़ रख के गई है और वो ब्रश करके आएगी, उसके बाद ही यहाँ पे वो सारी चीज़ों को खाएगी, कट करेगी। उसके बाद मैं थोड़ी सी साफ़ हो गई थी, मतलब धूप थोड़ी थोड़ी आ गई थी, लाइट आ गई थी। उसके बाद लाइट मतलब कि जो रोशनी होती है ना, वो वाली रोशनी, सूरज की जो रोशनी कितने जो पड़ती हैं वो वाली, तो हम लोग फिर छत पे आ गए थे। यहाँ पे मैं इन लोगों को जैकेट वैकेट पहना दी हूँ और छत पे आ गई हूँ, ताकि इन लोगों की जो मॉर्निंग वाली धूप है उन लोगों को मिल जाए और हम लोग को भी, क्योंकि नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। मैं तो पूरे एकदम स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनी हूँ, शॉक्स भी पहनी हूँ, जबकि मैं कभी नहीं पहनती थी, लेकिन ठंड ने मुझे भी हिला के रख दिया है। और यहाँ थोड़ी सी मस्ती वस्ती कर ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग भी ब्रश वगैरह करेंगे। अभी दिव्यांशी का हो चुका है ब्रश, उसने पहले ही कर लिया, मैंने नहीं किया। मैं थोड़ी सी सोची कि छत पे आ जाती हूँ, पहले देख लेती हूँ उसके बाद। और हम लोग अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो इसके मतलब ये मेरा हमारा वहाँ पे फर्स्ट डे, 25th को फर्स्ट डे था हम लोग का ससुराल में। और भी जो ब्लॉग है मैंने अभी नहीं शेयर किया है आप लोगों के साथ, पहले ये वाले ब्लॉग शेयर कर लिए, फिर एक एक करके लाऊंगी। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, मुझे छत पे जाना पड़ता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। नहीं तो टाइम तो है मेरे पास, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से आप सभी को ब्लॉग देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी। और ये देखिए हमारा खेत, हरियाली हरियाली सा खेत, अभी के समय में तो कितनी सारी सब्जियाँ लगी होती हैं और सारे हरे भरे, आप सभी को तो पहले भी देखने को मिला है। और हमेशा जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं जो विलेज इन्वायरमेंट है, जो गांव की जो पूरी है ना खेत खलिहान, वो मैं आप सभी को दिखा पाऊँ, ये कोशिश मेरी हमेशा रहती है। और मैं जबकि जाती नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अवेयर करा सकूँ, आप लोगों को दिखा सकूँ ये सारी चीज़ें। जो लोग गांव के हैं वो लोग तो भली भांति जानते होंगे, मेरे से भी अच्छे से तरीके से जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं हैं उन लोगों को मैं दिखा रही हूँ ये सारी चीज़ें। और यह देखिए छत पर हम लोग थे, धूप तो अच्छी आ रही थी। और यहाँ पे रियांस की ना जो गन है वो छूट गई थी, यहीं पे रह जाता है, तो वो लेकर के खूब खुश हो गया। वो सो के उठा तो उसे मिला, तो वो बहुत खुश है और वहाँ पे खेल रहा है छत पे। और मेरे छत से ना मतलब पूरा खेत खलिहान पूरा दिखता है, खेत सारा दिखता है। अभी जो पेडी राइस होती है, मैंने आपको बोला था कि वो सारे प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन मैं उस वक्त यहाँ नहीं थी, इस वजह से नहीं हो पाया। फिर भी जो भी कुछ है आगे वो प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जितनी भी पेडी राइस लगी हुई थी वो सारे कट चुके हैं और यहाँ पे बोरी के बोरी आकर के रखे हुए हैं, हमारे घर में आकर के रखे हुए हैं। तो जो लोग हमारे खेत को करते हैं ना वो लोग ला के रखे हैं। अभी इनकी प्रोसेस और भी आगे होने वाली है, और हम लोग करने वाले भी थे, लेकिन जैसे चावल निकालने का प्रोसेस, लेकिन क्या हुआ ना कि मौसम की गड़बड़ी की वजह से हम लोग अभी उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब करेंगे वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए रियांस की मस्ती चल रही है इन बकरियों के साथ, इसे बड़ा ही मन लगता है, ये जितना खेले उनके लिए उनके साथ वो उतना कम होता है इसका। और अभी बकरियाँ बाहर हैं, छोटे छोटे से बच्चे भी हैं कितने सारे, अब सब देख सकते हैं। इन लोगों के पीछे ये ना इतना दीवाना है, जहाँ भी आएगा और ये ना डायरेक्ट इनके मुँह पर कुछ भी चारा हो, कुछ भी खाना हो, रोटी हो, टुकड़ा हो, कुछ भी खिला देता है ये। और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, जब भी ये खोल के इधर उधर हो जाता है ना तो सारी बकरियां आ जाती है मेरी तरफ आने लगती है, तो मुझे बहुत डर लगता है। इसके जो फर वाले जैसे जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं। मैं बोलती हूँ जल्दी से हटाओ इसे, जल्दी से हटाओ, और रियांश इसे सबको जल्दी से हटाता है। इसलिए ना डंडा लेकर के इनके पीछे पीछे घूमते रहता है और इनके रूम में इसे डाल के आता है इन लोगों बकरियों को। और यहाँ पे
मेरी ब्रश वगैरह हो चुकी है, थोड़ी सी मैंने चाय भी पी ली है जो हल्का फुल्का होता है, और यहाँ पे मैं मदद कर रही हूँ, सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, खाना तो मैं नहीं बनाती। तो ये जो थोड़ी सी वीडियो इधर उधर हो रही है ना, तो दिव्यांशी की करामत है। और मैं यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ, टमाटर आलू की सब्ज़ी बनेगी, बूंदी की भुजिया बनेगी, इस वजह से यहाँ पे सारी तैयारी हो रही है। बस मैं मदद कर रही हूँ इनकी, और बाकी ये लोग खाना बनाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक शेयर करती हूँ। आप सभी बताना कि कैसा लगा मेरी वीडियो, आप सभी को पसंद आता है विदेश वाली वीडियो तो ज़रूर कमेंट करना, और आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी आगे सारी कुछ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।